नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। कभी कभी छोटी बात भी बड़ी उपलब्धि दर्ज करा जाती है। कोपिन गांव में कुछ ऐसा ही हुआ है, यह बिहार के नवादा ज़िले के मिसकौर ब्लॉक में आता है और यहां एक अमेरिकन प्रजाति का उल्लू मिला है और यह खास करके इंग्लैंड में या फिर नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका के देशों में पाया जाता है, लेकिन यह भारत के खास करके बिहार के गांव में कोपिन में मिला है, तो एक बड़ी बात है। इसे टाइटो वाउल भी कहते हैं और अमेरिकन में इसका नाम है अमेरिकन वार्न ऑल। बिहार में यह दूसरा अवसर है जब एक साल के अंतराल में अमेरिकन प्रजाति का उल्लू मिला है और जिसे कि अमेरिकन वार्न ऑल कहते हैं। इसके पहले सुपौल में मिला था और या इसके बाद नवादा में मिला है। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसे गांव के दो भाइयों ने इसे बचाया है। कोपिन के अमरजीत बताते हैं कि बहेलिया जो है सो शिकार कर रहा था, तभी उनके भाई अभिजीत उसे रोकने का प्रयास किया और उनसे जो है सो इस ऑल को बचाया। हालांकि बताया जा रहा है कि दो तीन लेकर भाग गया वो लोग। और सबसे बड़ी बात है कि केवल बचाए नहीं, इसे वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग ने भी तत्परता दिखाते हुए इसे अपने कब्जे में लिया और इसका उपचार कराया और उसके बाद इसे पटना जू भेजा गया। मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ और मेरे भाई का नाम अभिजीत कुमार हुआ। जब मेरा भाई शाम को मार्केट की तरफ जा रहा था तो रोड के किनारे एक सूखा ताड़ का पेड़ था और मेरा भाई ने देखा कि वहाँ पर बंजारा समुदाय के लोग शिकारी कर रहे हैं पंछी का, जो कि एक अमेरिकन बार्न आउल है जो कि दुर्लभ प्रजाति का है, वो भारत में नहीं पाया जाता है। तो मेरे भाई ने मना किया तो वो लोग नहीं माने और वे लोग कुछ बच्चे को अपने साथ लेके चले गए। और मेरा भाई जब एक बच्चा को घर में लाया तब मैं देखा कि ये कुछ अलग सा पक्षी है, मैं कभी ऐसा नहीं देखा था। तब मैं इसे गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि अमेरिकन बार्न आउल है। तो फिर मैं डीएफओ सर नवादा को फ़ोन करके उनको सूचित किया कि सर ऐसा सा बात है, कोपिन गांव में अमेरिकन बार्न आउल मिला है जो कि एक दुर्लभ प्रजाति का है, आप इसे अपने अंदर ले लें। तब सर से बात हुई और सर ने फिर सुबह होके एक सिपाही को भेजा, तब मैं उस उल्लू को उनके पास सौंप दिया। वैसे तो भारत में 30 प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं जो कि प्रतिबंधित है कानूनी रूप से, और वैसे में ये अमेरिकन प्रजाति का उल्लू का मिलना काफ़ी अहम रखता है। और इसकी पहचान है कि इसका फेस चौकोर होता है और यह मीडियम साइज का होता है और हल्का पीला होता है और जो है सो इसका पंख जो है पूंछ छोटी होती है लेकिन पंख बड़ा होता है, 80 से 95 सेंटीमीटर तक फैलाता है, तो इसकी एक खासियत है। वन पदाधिकारी संजीव रंजन भी मानते हैं कि इस तरह का उल्लू वास्तव में दुर्लभ है और इसके लिए वो युवाओं को धन्यवाद भी देते हैं। बिहार के नवादा जिले में अमेरिकन बार्न ऑयल, जिसे हम बाहर में लव बर्ड भी कहते हैं, पाया गया है। इसकी एक खासियत है कि इसका जो चेहरा होता है वो हर्ट शेप में होता है, इसीलिए इसे लव बर्ड कहते हैं। इसका मुख्यतः खाना रोडेंट होता है, जिसे रोडेंट का मतलब हो गया चूहा या अन्य प्रजाति। तो ये हमारे किसान भाइयों का मित्र है, उनका जो फसल जो नष्ट करता है उसे ये बचाता है। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मुख्य तरह से पाया जाता है और भारत में भी 10-12 सालों में इसे बर्ड वाचर्सों ने नोटिस किया है कि यह भारत में भी है। और ये नवादा में युवक द्वारा इसके सूचना दी गई थी, तो एक अच्छी बात है कि हमारे समाज में पक्षी के प्रति संवेदना जाग रही है। उल्लू के बारे में हिंदू धर्म में मान्यता है कि यह लक्ष्मी की वाहिनी है, तो इसलिए काफ़ी इनकी पूजा होती है, खासकर दीपावली में इन्हें इनकी पूजा होती है। और माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से दुर्दिन दूर होते हैं और अच्छे दिन की शुरुआत होती है और ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए हिंदू मैथोलॉजी में काफ़ी इनका अहम है, काफ़ी मान्यता है। तो ऐसी कई बातें इनसे जुड़ी हुई है जिसके कारण भारत में काफ़ी मायने रखता है।
और यही नहीं, लक्षद्वीप में इस तरह के उल्लू के 3 पेयर्स को लाया गया था। और वहाँ पे चूँकि होता क्या था कि कोकोनट का जो पेड़ होता था तो उसको नुकसान करता था बड़े पैमाने पे चूहे, तो उसको बचाने के लिए स्पेशली केरल से लाया गया था। और वह चूँकि इस तरह का जो वहाँ जो चूहा होता था वो पेड़ों पे, मैंने आमतौर पे चूहा नीचे में दिखता है लेकिन वहाँ पेड़ों पे चढ़ के नुकसान करता था, तो वैसे में वो इस तरह के उल्लू का इस्तेमाल किया गया था और वो काफ़ी कारगर भी रहा था।